देते हैं। आदर्श जी करमदार, तुमको एक काम की बात बताया गया, ये काम की बात बचना और कोई तुमको नहीं बताएगा। ये जो मार्च का महीना होता है, ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें हर चीज को एक मार्च करते हुए नजर आती है सिवाय तुम्हारी। ना सर जी, ये टेंशन भी तो आपने करवाया था जनाब। अच्छा, तो जब मैंने स्टैंड टीज कह के आधा किलो दूध पत्ती का ऑर्डर दिया, उस वक्त तुमको कोई सुनाई नहीं दिया? ना जी ना सर जी, स्टैंड टीज तो मैंने बड़े गौर से सुना था, पर आगे कुछ मुझे समझ नहीं आई। आए सच के जाऊ तेरे, तुझको आगे कुछ समझ नहीं आई? जब तक तुमको कड़का मार के किसी चीज का ऑर्डर न दिया जाए, तुमको समझ नहीं आती? वो तुम्हारे ये कान जो है, ये तांबे के बड़े हुए। मेंस रिपोर्ट दर्ज कर लेना कोई मानी नहीं रखता, उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। चार डगे दिए हैं सर। चार की तो सिर्फ रिपोर्ट हुई है जाफर हुसैन, वारदातें बहुत ज्यादा है और खुसूसन फ्लैटों। दो तीन लड़के हैं सर, मैंने ट्रेस कर लिया। ट्रेस? मेंस ट्रेस करने से मसला हल हो गया क्या? कड़ी नजर रखी हुई है सर, अनकरीब कुछ हो जाएगा। लोग हरास की वजह से फ्लैट छोड़ रहे हैं, तहफ्फुज़ का एहसास नहीं रहा लोगों में, और तुम कड़ी नजर रखे हुए। रात को तो एक भी वारदात नहीं हुई सर, इसकी वजह यह है कि हम गश्त पर होते हैं। रात को पूरी गश्त हुई है सर। और सुबह को? लोग खुद फंस जाते हैं सर, दरवाजे पे दस्तक होती है, लोग दरवाजा खोलते हैं और लूट जाते हैं। क्यों लूट जाते हैं लोग? ये कोई मामूली बात नहीं है। बोलो बोलो बोलो। जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे सर, मैंने टाउट भी जोड़ रखे हैं और टाउट अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं हमें। रिजल्ट मुझे तुमसे चाहिए जाफर हुसैन, तुमसे, उन लोगों से नहीं। ओके ओके सर। अमीन वल्द अली मोहम्मद। अमीन वल्द अली मोहम्मद, सकना बड़ा बाजार खैराबाद। बड़ा बाजार खैराबाद। अच्छा अच्छा, रकम कितनी थी तुम्हारी? 1700 रुपया जी, अलमारी में रखा हुआ था। अच्छा, अलमारी में 1700 रुपया कौन है जी? मारी खो तुम पर, वह रकम ज्यादा होती तो पौड़ा पड़ गया था ना। चोरी तो हुई है ना जनाब? वह चोरी हुई तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम अपना सिर तोड़ तोड़ के कोशिश करेंगे तो मुल्ज़िम गिरफ्तार हो जाएगा। तुम ऐसा करो, कैसे करो? कैसा करूं जी? ऐसा करो, भाग के बाहर जाओ बचड़ा, और एक टैक्सी रोको। रिक्शा ठीक नहीं रहेगा जी? वो मैंने चार बंदों की फोर्स तुम्हारे साथ भजनी, तुमने को कांजी पीने के लिए तो नहीं जाना, मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के लिए जाना है? अगर बड़े रिक्शा ठीक नहीं रहेगा। वो मिस्टर रेड्डी। आजा जनाब अली। की सड़क के बीच कार खड़े हो के एक टैक्सी रोको जिसके मीटर के ऊपर कपड़े बच जाओ। वो बिस्मिल्ला, वो मेरी नफरी आ गई। दो दिन गुजार के कार्रवाई पूरी करके वो क्या खबरें अखबार लेके आए हो सारे? हाँ जी, हमने तो चप्पा चप्पा छान मारा। अच्छा, घर तो मिल गया था जी? पर घर तो मिल गया था लेकिन मुल्ज़िम बरामद नहीं हुआ। वह मुल्ज़िम अपने घर में नहीं था, कहीं इधर उधर हो गया। ना जी ना सर जी, कुछ पता नहीं चल रहा, फिलहाल तो चक्कर जा पड़ गया हमको। वह तुम इतने तजुर्बाकार, इतने पुराने, इतने सियाने बहने हो कि तो खाली हाथ लटकाते हुए आ गए हो? कम से कम उसके अब्बा जी को पकड़ के ले आते। लेके आए हैं जनाब। अच्छा, टैक्सी में गिरवी पड़ा है। वो तेरे सदके जाऊँ कि ना जाऊँ, मेरे ख्याल से आज ना जाऊँ। वो रहमत चंद उसके अब्बे जी को लेके आ जा, बाजी के जा। बेहतर जनाब। और सुनो, टैक्सी वाले को किराया नहीं देना, बचड़ा बच जा। बेहतर। वो मिस्टर रेड्डी। आदर जनाब अली। वो बचड़ा दोनों भाई, इससे टैक्सी में बैठ कर जाओ और हमारी चप्पलों का जो ऑर्डर दिया जा चुका उसका पता कर क्या क्या हुआ। बेहतर जी। और सुनो जी जना, आता हुआ वापसी पर मेरे घर की तरफ से होते हुए आना। अच्छा सर जी, कोई खास बात है आज? वो तुम्हारी भाभी ने अजरा प्रवीण ने आई मकई की रोटी और साग पकाया अपने प्यारे प्यारे हाथ से। बोले चाहना और छुड़ा लतीफ है जी जा। तुम बचड़ा अपने पल्ले से बड़ी टिक्की मक्खन की ले आना और मदद तब के दोनों भाई क्विकली जाओ, क्विकली वापस जाओ। बेहतर जाओ 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 लो जनाब, मुजरम के अब्बा जी हाजिर है। सलाम अलैकुम। आप अब्बे जी है चोर के? जी जनाब। अली मोहम्मद नाम है आपका? जी जनाब। अच्छा जी, 1700 रुपये की रकम लेके आए हैं? नहीं। अच्छा, नहीं ले आए? मुल्ज़िम को किधर लिखो के रख दिया है तुमने? मैं नहीं जानता जनाब, वो घर में नहीं है। अच्छा, वो घर में नहीं है? उस घर में वो नहीं है तो हमने इस तरफ तुम्हारा घर बना कर रखा हुआ है। 1700 रुपये दे के मुक मुका कर लो,
नहीं तो चंद भाई तुम्हारी आराम का तुम्हारा इंतजार कर दिया। मेरे पास इतना रुपया नहीं है चौधरी साहब, बेशक आप उसे पकड़ें, सजा दें, मैं उस नाफरमान के लिए कुछ नहीं करूंगा। बाबा जी सियाने प्याने होके इधरली उधरली मारी जा रहे, रुपया दे के काम खत्म करा दियो, नहीं तो बुढ़े वारे जो सारी जिंदगी के लिए कमेटियां डालते फिरोगे उसका कोई फायदा होगा तुमको? मैं गरीब आदमी हूं जनाब। यह मामला कानून का हो गया बाबा जी, चलाक ना बढ़ो, साल का रुपया उसको दे दो, अल्लाह ना खैर चलता। वैसे चौधरी साहब असल बात तो मुजरिम से होनी चाहिए, इस बूढ़े पर तो वैसे ही। वह तुमको अगर तरस आता है तो अपना रुपया तुमने उसको बख्श देना था, मगर ये रबड़ दर्ज कराने से पहले पहले अब मामला अब गेम कानून के हाथ में आ गया है। बीच में दखल अंदाजी तुम न करो, कार्रवाई हम न करनी है कि तुम न करनी है, बोले जाता है आई समझ तुमको? थाना ले आओ जनाब, मक्खन मैंने खुद डाला अपने हाथों से। वह इधर प्रवीण के हाथ की खुशबू, वह जी जनाब बचड़ा इसका उधर ले जाकर रख दो, मगर एक चीज का ख्याल रखना, लेबोरेटरी बीच में मुंह न मार जाए। बिल्कुल उधर रख दो। और सुनो तुम वो रहमत चंद, तुमने उस तरह बचड़ा बिल्कुल ले जाना, मेरा खाना वहीं पड़ा रहने। सलाम अलैकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब मुझे छुट्टी दे दे, कल सुबह से आज शाम हो गई है। वही तो पैसे तुमने साहिल से लेने हैं कि मुझसे लेने हैं? उससे पैसे लो तब रेट हो जाए, मुझसे होगा क्यों बोलते हो? कितने पैसे हैं भाई तुम्हारे? ओ जी बनते तो 1000 है, चले आप 900 रुपया दे दे। 900 रुपया? दो दफा गए थे खैराबाद? हाँ जी। वह भाई साहब यहाँ पर झगड़ा डालने की कोशिश मत करो, आखिर मुल्जमान को तलाश करने की फीस 900 रुपया कुछ ज्यादा तो नहीं है? शाम का टाइम है, उसको पैसे दो, वो भी अपने घर जाए, तुम भी जाकर मान से समझ। चौधरी साहब 900 रुपया मांगता है जी। और 900 रुपया बस सद के जाऊं बस तेरे चंद मई। वह जी 850 रुपया दे दो, मैंने फैसला कर दिया। चौधरी साहब 850 रुपया? वह तुम्हारे मुलजिम को लबते लबते हमारे मुंडों के साथ भूल गए, और तुम कहते हो 850 रुपया? वही 850 रुपया कुछ ज्यादा तो नहीं है? वो आखिर मुलजिम को तलाश करना है, अभी तो ओके पेंडे आने हैं, अगर तुम्हारा तावन न हुआ तो ये कैसे मुमकिन होगा? चौधरी साहब आप ऐसा करें जी, मेरा केस वापस कर दीजिए। अच्छा ये परचून की हटिया कि हम तुम्हारा केस तुमको वापस कर दे? वह कानून में दखल अंदाजी देने की कोशिश मत करो, वरना नुकसान तुमको खुद उठाना पड़ेगा। यहाँ पे खामोशी अख्तियार करके करमदास सुबह से कांस्टेबल को इधर उधर भेज रहे हो, छापा मार टीम भी तैयार की कि नहीं? सर जी वो मैंने तैयार कर दिया। सर ये बंदा जो है ना बात को बड़ी लंबा कर देता है। कौन लोग हैं ये? सर जी ये तो साहिल आई है, और वो अब भी जाइए चोर के। बात मुख्तसर है सर, कि मैं अपना केस ही वापस लेना चाहता हूँ जी। सर जी मैंने पक्का पर्चा काट दिया है, आप मुझको कहता कि मैं केस वापस लेना। क्यों करो तुम, क्यों करो, एक मिनट सबर करो तुम। ओके सर जी। हाँ जी आप केस क्यों वापस लेना चाहते हैं जी? मेरे पास वक्त नहीं है जी। अच्छा तुम्हारे पास वक्त नहीं है, हम तो बेकार बैठे हैं ना इधर, वक्त तो मैं एक सेकंड में निकलवा लूंगा ना। और कुछ जी 1700 रुपया मेरा चोरी हुआ है, और 850 रुपया किराए पर लग गया है, मैं कैसे ही? तो ये रफड़ से पहले सोचना था, ये कानून है, कोई मजाक नहीं है। तुम लोगों के कहने पे चोरों और डकैतों को छोड़ते चले जाए, सोच लो अच्छी तरह, वरना उल्टा केस तुम पे बन जाएगा, समझे? टीम चली गई? बस जाने वाली है सर। क्यों, इससे जरूरी कौन सा काम? वो एक केस डिस्कस कर रहे थे सर। डिस्कशन बंद करो जाफर हुसैन, आज का दिन फैसला कौन है? पूरी इत्तला है उसे क्यों जाया कर रहे हो? मैं आज ही मुस्तकिल टीम बना दूंगा सर। आज नहीं अभी फौरन जाना है, शाम तक मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके जज्बा जगाए। गोली सीने के पार होगी। क्या जाते हो तुम? चुपचाप रकम दे दो। अगर आवाज निकाली तो
लाशें तब दिखियां नजर आएंगी। बैठ जाओ नीचे, बैठो। मैं आपको वो चेहरा दिखाना चाहता था जिसे मुस्तकबिल का अमीन होना चाहिए था। वजह मैं भी जानना चाहता हूं और आप भी। उसका नाम काला डाकू है सर। मैंने आपके अखबार के वसीले से यह नाम पढ़ा था। लोग फ्लैटों को छोड़कर जा रहे थे, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी, सो की गई। कितने लोग जख्मी या कत्ल हुए? एक लुटेरा जख्मी हुआ, दो पकड़े गए। बुलाओ। कपड़ा हटाओ चेहरे से। यही सुना नहीं तुमने? कपड़ा हटाओ। अब कपड़ा हटाओ या मैं उठाऊं खुद? प्लीज ऐसा ना कीजिए, मुझे अंधेरे में रहने दीजिए। बकवास नहीं कर रहा उल्लू का पुत्र। कपड़ा हटाओ मुंह से। हटाओ कपड़ा है, हटाओ। कितने मासूम नजर आते हैं चेहरों से। जब लोगों को लूटते थे तो मासूमियत कहां चली जाती थी तुम्हारी? तस्वीरें उतारो भाई इनकी। नहीं नहीं, तस्वीर ना उतारिए प्लीज। अपनी रुसवाई का ख्याल है? दूसरों की इज्जत का पास नहीं था? उतारो तस्वीर। मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। खुदा के लिए तस्वीर तो छपेगी, सारी दुनिया देखेगी तुम्हारा ये मकरूह चेहरा। तस्वीर छप गई तो एक जिंदगी चली जाएगी, कत्ल हो जाएगा एक। बकवास करते हो तुम, बड़ा मकड़ा बनता है सर। मैं ठीक कह रहा हूं, तस्वीर केस तस्वीर ना उतारिए। मेरी मां मर जाएगी सर, केस तो बगैर तस्वीर के भी चल सकता है। प्लीज प्लीज, ये तुम्हारी अंग्रेजी जो है ना, ये तो मैं एक सेकंड में निकालूंगा ना बच्चे। अभी तुम्हारे वारसों को बुलाया, समझते क्या तुम? आप उसे जिंदा यहां नहीं ला सकेंगे, वो सुनकर ही मर जाएगी और इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। ये मैं प्रेस के सामने कह रहा हूं। ऐसा क्यों होगा? मेरी मां वो झूठी उम्मीद पर जी रही है, उसे जीता रहने दीजिए। सजावार मैं हूं, वो तो नहीं है ना। कितने कत्ल कर चुके हो? कत्ल एक भी नहीं किया, सिर्फ एक राहगीर को गोली लग गई थी, बाकी दो कत्ल मैंने नहीं किए। अब बकवास नहीं करो। रांझे और जीवन को तुम्हारे बाप ने कत्ल किया था? मैं नहीं जानता, मैंने बताया है कि एक गोली एक राहगीर लड़की को लग गई थी जो अस्पताल में जाकर मर गई थी। कितना पढ़े लिखे हो? पढ़ा लिखा ही तो नहीं। अभी तो बड़ा प्लीज 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 कर रहे थे, फर अंग्रेजी बोल रहे थे प्लीज का पुत्र। कहां तक पढ़े? बीए नहीं कर सका। बीए कर सकते थे तुम, कर सकते थे भी। लोगों को लूटने से फुर्सत मिलती तब पढ़ते लिखते ना। काश ऐसा हो सकता, यही मेरी ख्वाहिश थी, यही आरज़ू और यही मेरे माँ बाप की खुशी थी और मेरी जरूरत भी। मगर सर सब कुछ अपनी मुट्ठी में तो नहीं ना होता, किस्मत में नहीं था। जब पकड़े जाते हैं ना सर तो फिर किस्मत याद आ जाती है। डाका अपनी मर्जी से, नाम किस्मत का। जुर्म का एहसास रखते हुए भी, बुराई को बुराई समझते हुए भी तुम रोक न सके अपने आप को। अंजाम याद नहीं था तुम्हें? याद था, याद था।
मगर इम्तिहान में मुझे बेकसूर। तुम तो हर बात में बेकसूर हो, इम्तिहान में बेकसूर, हर मामले में बेकसूर, बस। तुम क्या समझते हो ऐसे बेकसूर हो जाओगे तुम? हाँ मैं बेकसूर था। मेरी माँ समझती थी कि बीए करने के बाद मैं शहर का कोतवाल लग जाऊंगा, दौलत इज्जत सारी आसाइशें मिल जाएंगी, इसीलिए उसे मेरे इम्तिहान का इंतजार था। जज्बा जगाट। पहली तारीख को दिल दहल दहल जाता है, देर क्यों हुई? ओ बस निकल गई थी, पैदल आया। ये ले इन्हें संभाल के रख ले। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। वो तैयारी ठीक हो रही है ना? हाँ जी अबू, एकदम फर्स्ट क्लास। दाखला 3 तक जाएगा। हाँ याद आया, इसका भी तो दाखला जाना है। सब कुछ इसी पे है, समीना की फीस, दाखला वाखला सब कुछ। सब कुछ इसमें मैं कैसे पूरा करूंगी, मुझसे नहीं होगा, रख लो। बस घबरा गए? वो बॉन्ड भेज दो ना, किस लिए रखे हैं? सिर्फ 500 रुपए के हैं, उसमें क्या क्या होगा? तो बस काम चलाओ फिलहाल। वो नासिर साहब कह रहे थे कि अकबर बीए कर ले तो फॉरेन सर्विस के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अबू मुझे तो एमए करना है। बस बेटे सख्त नहीं है मुझ में। अबू जी प्लीज अबू, ये लड़का हमें जीने नहीं देगा, करा दो इसको एमए। यहाँ तक लाने के लिए कितना निठाल हो चुका हूँ तुझे क्या मालूम। तेरा इम्तिहान, तेरी नौकरी ही एक उम्मीद है बेटा, हिम्मत कर। नौकरी के बाद भी तो पढ़ सकते हो। नौकरी के बाद कैसे पढ़ूंगा? कल हमारे कॉलेज में पिकनिक है। जब से कॉलेज से लौटी है ना, तंग कर रखा है इसने। गजब खुदा का, 2 न 4 पूरे 25 रुपए। कोई नहीं जाना हमें पिकनिक पे, समझी? अकबर को तो फॉर्म दे दिए थे उसने। किताब पिकनिक से ज्यादा जरूरी है। मैंने कॉलेज में वादा कर चुकी हूँ अबू जी, प्लीज। बेटा दे तो देता अगर कुछ जेब में होता तब ना। तो सब कुछ तो तेरी माँ ने ले लिया है। हद हो गई, मैं उसे डांट रही और तुम उसे आस दिलाए जाते। वो बात तो करने दिया करो, बीच में टप टप करने लगती हो। जवान बच्ची है, आखिर उसे किसी तरीके से समझाऊंगा ना। जो जी में आए करो, लेकिन इस रकम में से मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तो फिर इसमें लड़ने की कौन सी बात है, नहीं दोगी? देखो बेटा 6 महीने और सब्र कर लो मेरी बच्ची, तुम तो बहुत समझदार हो, हैं? वो अकबर इम्तिहान से फारिग हो जाए। अब सो जाओ बेटे। अभी तो बहुत काम पड़ा है। चांद मेरे, जहाँ सारे पर्चे निकल गए हैं ये आखिरी भी हो जाएगा। बेटे आंखों में तुम्हारी नींद भरी है, सो जाओ मेरा लाल। शाबाश। आखिरी पर्चे के बगैर इम्तिहान मुकम्मल तो नहीं है ना मम्मी। बेटे अगर सुबह आंख ना खुली तुम्हारी तो सोच लो, सो जाओ ना। बस घंटा भर और। ले चाय पी ले जल्दी से। बस धोकर सही भर दिया मैंने। नहीं नहीं पेन है मेरे पास। रख लेना, इसका नेम बहुत अच्छा लिखता है। अच्छा चल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाश्ता करके तू जाओ, पर्चा कैसे करोगे खाली पेट? जी नहीं चाहता, हमें देर हो रही है। अच्छा पर्चा करती सीधे घर आना। जाहिर है, और कहाँ जाऊंगा। अच्छा अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह ने दे बात। अच्छा मैं खुदा हाफिज। Stand up.
तुम भी खड़े हो जाओ और तुम भी खड़े हो जाओ भाई राजो। सर ये सुना नहीं तुमने? मेरा तो नहीं है सर, मेरा नहीं। साइलेंस साइलेंस। कसम करो। माफ कर दें जनाब। जल्दी करो वरना केस ज्यादा खराब हो जाएगा। कसम करो। मैं बेकसूर हूं जनाब। जल्दी करो नुकसान होगा तुम्हें। साइन करो। क्यों करूं जब मेरा कसूर नहीं है तो क्यों करूं मैं साइन? झगड़ा करता है बाहर ले जाओ इसे। ठेक ही माओ। देखिए सर ठेक ही माओ। तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए था। झगड़ा नहीं किया था। नहीं किया था झगड़ा, सिर्फ सफाई पेश की थी। झगड़ा तो हो गया ना, बात तो बढ़ गई। मगर अब होगा क्या? अल्लाह ही जानता है क्या होगा। दिन रात की मेहनत, इसके जगराते, मेरी उम्मीदें सब खाक में मिल गई। तुमने दस्तखत क्यों किए? शोर मचाया होता। मैंने इतना कहा इतना कहा। वो लड़का जिसकी तरफ कागज फेंका गया था वो बच गया, पता नहीं कैसे। वो बच गया? वो कैसे? इसी का तो दुख है मुझे। किसका इल्जाम किसके सर डाल दिया उन्होंने? खुदा गारत करेगा उन्हें। गारत कर भी दे तो हमारा क्या फायदा है? फेल तो हो गया ना। खुदा गवाह है मैं बेकसूर हूँ। तुम दिल पे ना लो भैया, नहीं तो ना सही, अगले बरस इम्तहान दे देना। किस दिल से कह रही है तू? एक एक लम्हा गिन के गुजारा था मैंने इसमें। अब रोने धोने से क्या फायदा है? फेल तो हो गया ना। तुमने पूछा तो होता बेटे कि करेंगे क्या। कह रहे थे केस ऊपर तक जाएगा, इत्तला कर देंगे। इत्तला तो मिल गई है बेटे, तू अपनी तैयारी जारी रख, शायद वो दोबारा पर्चा ले ले। जज्बा जगाए। इस बारे में मैं किसी रैत के हक में नहीं। मुझे आपसे इत्तेफाक है, लेकिन आपसे मुत्तफिक होने के बावजूद मेरा ख्याल है कि सजा ज्यादा संगीन नहीं होनी चाहिए। वो इस केस के नतीज को मद्देनजर रखते हुए गौर करना चाहिए। देखिए जनाब, अगर इंसाफ के तकाजे ही पूरे करने हैं तो एक तरह के केसों की सजा भी एक जैसी होनी चाहिए। फेल कर देना कम सजा तो नहीं है। बहरहाल मैं इसके हक में नहीं हूँ, कतई तौर पर मेरे खिलाफ को रिकॉर्ड पर लाया जाए। ठीक है। कितनी संगदिली है ये, बेरहमाना है ये सुलूक। तुम एक बरस को रो रहे थे, तीन बरस कैसे गुजरेंगे? तीन बरसों में जाने क्या हो जाए। मेरा बच्चा न पढ़ सकता है न इम्तहान दे सकता है, और मुलाजमत मिलेगी कहाँ और क्यों? यही तो तकदीर है, वरना किसी के दिल में रहम तो जरूर आता। दिल ही पत्थर हो गए हैं। मेरे बच्चे की जिंदगी, मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी, हमारे शौक, उम्मीदें, ख्वाब, सब कुछ ही तो राख हो गया है, सब कुछ। मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, तुम्हें दुख तो होगा मगर ये जरूरी था। जरूरी तो था, लेकिन लेकिन क्या? हर लड़की का एक ख्वाब होता है, मेरा भी ख्वाब था, मगर तुम रुक क्यों जाती हो? तुमने मुझे मुंतशर कर दिया। मैं तो खुद तुम्हारे पास यकजा होने आया था, और फिर मेरा कसूर क्या है? तहफ्फुज़ का एहसास ही मोहब्बत जगाता है औरत में, मगर तुम तो अपना तहफ्फुज़ भी खो चुके हो। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं मुल्ज़िम हूँ, मुजरिम नहीं हूँ। तुम्हें मेरे सच से खुशी नहीं हुई? हकीकतें बहुत तल्ख होती हैं अकबर, अगर मैं सच कहूंगी ना तो तुम सुन ना सकोगे। सुनने ही तो आया हूँ। ट्यूशंस पढ़ाकर तुम समझते हो तो मसाइल हल कर लोगे। अपना घर, अपनी छत चाहिए मुझे, हर लड़की को।
उसका हक है ये। मैं नाकारा हूं, ना मुराद नहीं हूं, बस थोड़ा अरसा लगेगा। मैं तो इंतजार कर लूंगी पर घर वाले शायद ना कर सके। तुम्हें तो कच्चा घर पसंद था, तुम तो कहा करती थी कि बदल गई हो। मैं एक लड़की भी तो हूं, बेबस, किसी ख्याली सहारे को बुनियाद बना सकती हूँ ना जवाब, कोई बनाने भी ना देगा मुझे। 3 साल का अरसा ज्यादा है। लड़कियां किस कदर बेबस होती हैं तुम नहीं जानते, जान ही नहीं सकते। 3 महीने हो गए, कब देंगे वो पैसे? दे देंगे। पढ़ाने भी जाते हो या बस घूम फिर के आ जाते हो? आप भी मुझ पर शक करती हैं। तुम्हें क्या मालूम किस कदर तंगदस्त हूँ मैं, कितनी परेशान हूँ। उनका ड्राफ्ट रुका पड़ा है, आजकल में आ जाएगा। जो कुछ भी हो आज साफ साफ कह दो, उन्हें जरूरत है हमें। अच्छा कह दूंगा, लेकर आऊंगा। सफाई इंसान को, सफाई इंसान को खुदा के करीब करती है, करीब करती है। अच्छा इसे अच्छी तरह याद कर लो, कल मैं सुनूंगा, और डिक्टेशन की गलतियां बार बार लिखना। अच्छा और ऐसा असलाम। मास्टर साहब ये क्या चंद चढ़ा दिया 4 दिनों में आपने? जी ओए तुमने पढ़ लिया तो अंदर चलो, चलो अंदर। आपस की बात है, आपस में निपट जाएगी। जी कौन सी बात? हमारे घर में खुदा के फजल से चिड़ी पर नहीं मारती, तुम्हारे सिवा यहां आता कोई नहीं, समझ गए ना मेरी बात? जी 7,000 की घड़ी थी, इस मेज पर रखी थी, कल तुम गए हो तो गायब। बहुत अफसोस हुआ है। हो तो मास्टर लेकिन उम्र में मुझसे छोटे हो और तजुर्बे में भी, गलती इंसान से हो जाती है, इसलिए तो काके को मैंने बाहर भिजवा दिया। लाओ दे दो भली मानसी से। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, बहुत अफसोस हुआ है मुझे। ना तो और यहाँ कौन आता है? कोई आता है या नहीं आता, लेकिन घड़ी ना मैंने देखी है ना मैं जानता हूँ। ये तो गलत बात हो गई ना बाऊ, बंदे को मुकरना नहीं दिया मैंने कभी। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। बेइज्जती तो तुम्हारी पुलिस करेगी, मैंने क्या करनी है पुत्र? अब भी वक्त है, चुपचाप ला कर दे दो। मैं कसम खाता हूं। कसमें खाने पर आ गए हो तो दे ही दो। मेरे पास नहीं है। तो फिर और फिके जी जनाब, पकड़ो इसे, सही सलामत घर ना जाइए अभी। लगता है इसके मुकद्दर में जेल है। मार मार के लहूलुहान कर दिया ना मुराद, कैसी किस्मत लिखवा लाए हो। 3 माह की फीस बचाने के लिए ढोंग रचा दिया उन्होंने। मेरी आह पड़ेगी, तेरी आह पड़ेगी उन पर, देख लेना। जबान छी भी ले अब चुप हो जाओ। मेरा बच्चा बेकसूर है, मैं तो चीखूंगी चिल्लाऊंगी। अच्छा बोल, और ऊंची आवाज से बोल, लोग सुनेंगे तो चोर समझेंगे इसे। बात का बतंगड़ बना लेंगे। बात होती है तो बतंगड़ बनता है। मुझे सच सच बता दे। आप तो उसके बाद शक ना करें, दिलों का हाल सिर्फ खुदा जानता है बेटा, लेकिन फिर भी मुझे सदमा हुआ है, लगता है दिल फट जाएगा। तुम लोग मुझे जीने दोगे ये नहीं। बीमार हूं पर जख्म लगाने से बाज नहीं आते। मेरे दिल पर बहुत बोझ है आज राम, बहुत बोझ है।
सोचता कुछ हूं, होता कुछ है, जी चाहता है, जी चाहता है इसका कलाम। जाओ उस संग दिल का गला दबा दो, मैं कितना बेबस हूं, कितना बेबस हूं मैं। क्या हो रहा है पानी लाओ जल्दी, पानी पिए। कॉलेज का मिला, शुक्र है कि बाई तरफ नहीं हुआ। हाँ बीच, ये तो लंबा रोग है। जज्बा जगाए, यहाँ पर हुजूर 50,000 रुपए की रकम थी हुजूर, मैं लूट गया। 50,000? 50,000 हुजूर। बोल क्या करें तेरे साथ। एक ही बार से पाक परवरदिगार की कसम तुमने क्या है हो जाना था, मगर नहीं, जान जिगरे वाला समझकर छोड़ रहे हैं तुझे। इतना मार के छोड़ रहे हो, ले ऐश कर। जोश खत्म हुआ या नहीं बोल। बेईमान हो तुम लोग, लुटेरे हो। तुम्हारा हमारा कुछ झगड़ा है भाई, छोड़ यार, खुदा का वास्ता है, अब तो दोस्ती कर ले। दिल वाले के हम कदरदान हैं प्यारे, पकड़ ले, बड़ी जान होती है पैसे में, ले 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 यार, मुफ्त का माल है, डाल कीसे में, बाप खोल यार। तेरी जान, जब भी जरूरत हो चले आना, यारों के यार मिलेंगे तुम्हें। अब तो खुश हो जा मेरी जान, ये ले, हमें तेरे जैसे आदमी की जरूरत है, और पैसों की किसे जरूरत नहीं होती। एडवांस भी मुझे यकीन नहीं आता। मेरा दोस्त नहीं, क्लास फेलो मेरा मनान, हाँ। वो मिल गया था, मेरे हालात सुन के उसे बड़ा दुख हुआ, तो मुझे अपने बाप के पास ले गया। मैंने बड़ा मना किया, मेरे मना करने के बावजूद उसने सारे हालात फरफर सुना दिए। तो उसके बाप ने टेलीफोन किया और कैशियर से कहा कि नहीं भाई, कागज बनाने की फैक्ट्री है, 2-3 प्रेस हैं और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं इस जान में। दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, आज तो मालूम हुआ। तनख्वाह तय हुई? तनख्वाह तय करना अच्छा लगता था, अच्छा लगता था तय करना, वो शुक्रगुजारी से तो मेरी जबान ही नहीं खुली। अच्छा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
तूने ये नेक दिल दिखाया। एक हसरत है मुझे, कहो तो पूरी कर लो। जल्दी कर ले मेरी जान, उम्र लंबी नहीं होती हम जैसों की। फिर तो आज ही निमट लूं। चलोगे ना? गोली हलक से पार हो जाएगी। क्या क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या चाहिए? मास्टर नहीं, मौत का फरिश्ता। जान की जरूरत है तो सच बोल लेना। घड़ी मैंने चुराई थी, वो मिल गई थी, मैं गलती पर था। कमीने, वो गुम ही नहीं हुई थी। बोलो जल्दी। मुझे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। देख देख अपनी गलती का अंजाम। बोल क्या सलूक करूं तेरे साथ? पीछे अभी नहीं, अभी नहीं। सब कुछ ले जाएंगे तेरा, जिस तरह तूने मेरा सब कुछ ले लिया है। मेरे पास चाबियां ला। जल्दी करो, जल्दी। धीरे, जल्दी कर, सीधे चल। इसके हाथ बांध, हाथ बांध। तुम्हें शकल इसलिए तुम्हें दिखाई है, शकल इसलिए दिखाई है कि किसी से जिक्र ना करे मेरा। जिक्र करेगा तो सुबह तक बोटी बोटी नहीं हो जाएगा। साथ तुम्हारे बच्चों की। शकल नहीं दिखानी चाहिए थी तुम्हें। कलेजा कैसे ठंडा होता? कभी ना कभी बक पड़ा तो बुजदिल है, कभी नहीं बोलेगा। उसी जलील ने मुझे रास्ते से भटकाया था, 1200 बचाने के लिए चोरी डाल दी थी मुझ पर, मार मार के अदमुआ कर दिया था। अपने हाथ से इंतकाम लेने में कैसा नशा है। पर चक्की देना भी तो अच्छी बात नहीं ना मेरी जान। तू पकड़ा गया तो समझो हम पकड़े गए। हमारी जिंदगी ज्यादा नहीं है। बड़ा यकीन है तुझे? तेज तूफान की उम्र कम होती है प्यारे, जल्दी से गुजर जाता है दरख्त उखाड़ के। आज जरूर घर जाऊंगा। ये कैसी नौकरी, क्या है ये? न बहन को डोली में उतारने आया, न बाप को कब्र में। दो ही चले। कब तक इंतजार करते तेरा? कहां भेजती तुझे खबरें? कोई अता पता, कोई ठिकाना है तेरा? 6.5 माह के बाद आया, कहां जाता है, क्या करता है, बोल। मेहनत करता हूं, जान जोखों में डालकर रोजी रोटी कमाता हूं। जान जोखों में? ले कुल के खर्च कर अपना, ले अपना आप भी तो दे इस घर को। पहले पैसे तो ले। एक पैसा नहीं लूंगी, पहले अपने दोस्त और फैक्ट्री का पता बता। फील्ड में तो कभी कराची, कभी सिंगापुर, कभी जापान, पता नहीं कहां कहां।
इम्तहान भी याद ना रहा तुझे, फांसी निकाल लेता दिल से। क्या कह दिया तुमने? हर वक्त सोचती रहती हूँ तेरे बारे में, क्या क्या वसवसे, क्या क्या ख्याल आते हैं। खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर कभी कोई बात सुन ली मैंने तो तस्दीक किए बगैर जहर खा लूंगी। हाँ याद रख। मैं वापस जाना चाहता हूं, इम्तहान की फांस निकालना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं। आज तक कौन वापस गया है मेरी जान? कोई जाए ना जाए, मैं जरूर जाऊंगा यहां से। मेरी मां ही मां तो है, उसे शक हो चुका है, जिस दिन उसने सुन लिया खड़े खड़े मर जाएगी। कमली बातें करने लगा है ना, तुम भी वापस चलो जिंदगी की तरफ। पीछे आग है, आगे समुंदर है, दोनों तरफ मौत है मेरी जान, दोनों तरफ मौत। फांस रह जाएगी दिल में, मुझे तो जाना होगा हर सूरत। आज चले जाते हैं, कल से शहर छोड़ देंगे। दिल नहीं मानता यार। साथ छोड़ देगा, मैं अपनी शारा काट लूंगा, अभी मर जाऊंगा। यार ऐसा तो नकशी दे, कहा जो है शहर छोड़ देंगे। मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं, सब कुछ। मां ने तो तेरा दिल ही फेर दिया है, इसीलिए हम कारी नहीं जाते कभी। God make me good, but not yet. नेकी का वो लम्हा जो खुद बखुद चलकर तुम्हारे पास आया, मगर तुमने उसे खो दिया। वो तुम्हें जिंदगी देने आया, मगर तुमने मौत का इंतखाब किया। बहुत बड़ा मुजरम है सर, कातिल है ये। सजा इसका मुकद्दर है जाफर हुसैन। इस फहरिस्त में और भी बहुत से मुजरिम हैं जिनको अपने जुर्म का एहसास है। मैं इतरा मुलाजिम फरमाया आप लोग। जी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चालान मुकम्मल करो जाफर। लेकिन सर वो तस्वीरें उतार ली जाएं?